अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खूब अच्छी तरह अपनी पढ़ाई जो है वो कर रहे होंगे। आज बच्चों हमने स्टार्ट करना है सेकंड ईयर का सेकंड चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 13, और इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी, हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो करंट है बच्चों, उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, इफ़ेक्ट अराइज होते हैं, या उसका क्या इफ़ेक्ट है करंट का जब वो किसी कंडक्टर में फ़्लो करता है, किसी डिवाइस में से फ़्लो करता है। इसके बाद हम जो है ओम ला जो है, जो करंट पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को जो है वो डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे उसके अंदर, हम करंट और वोल्टेज जो है उसकी हम एक ग्राफ का एनालिसिस करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करके उसमें हम मेटालिक नॉन मेटालिक जो है कंडक्टर जो है, या आप कह लो कि कंडक्टर और इंसुलेटर्स जो हैं, ठीक है, उनको हम सेपरेट उनकी कैटेगराइज करेंगे। उसके अलावा इससे रिलेटेड जो है हमारे प्रॉब्लम्स आएंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके यूनिट के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके अलावा हम जो है रियोस्टेट जो है, जो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल होता है, रेजिस्टेंस का ही फंक्शन होता है वो एक्चुअली, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो एनर्जी जो है डिसिपेशन होती है, एनर्जी डिसिपेट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। उसके अलावा हमने देखना है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, या इलेक्ट्रिसिटी आप कह लें, जो डेवलप की जाती है आपके पावर जनरेशन के तौर पे, जो आपके पावर हाउसेस होते हैं उनको फिर ट्रांसफ़र किया जाता है आपके घरों तक जो है कमर्शियल यूज़ के लिए, उसके दौरान जो है जो उसकी जो पावर होती है, मैक्सिमम पावर वगैरह, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो है बच्चों, फिर हमने इस चैप्टर के अंदर किरचफ जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ जो किरचफ का है, जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्क्राइब करता है, वो हमने पढ़ना है इसके अंदर। उसके अलावा हम फिर देखेंगे एक हमारे पास डिवाइस है जिसको नाम देते हैं वीट स्टोन ब्रिज। जो वीट स्टोन ब्रिज है उसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि उसका फंक्शन क्या है और किस लिए हम यूज़ करते हैं। और एट द एंड जो है हम पोटेंशियल मीटर जो है उसके बारे में डिफरेंट पोटेंशियल को कंपेयर करके इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। सो दिस इज़ द ब्रीफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव यू कैन से। और इसका जो इंट्रो में चलते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो लेट्स डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो कि मैंने शुरू में इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बताएं। और करंट क्या चीज़ है प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब कि बहुत सारी एप्लीकेशन, जैसे कि आपके कोई भी एप्लीकेशन है घर की, इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन ले लें, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन ले लें, वो सारी की सारी जो है करंट की वजह से ही चलती हैं, या आप ये कह लें कि उनके लिए करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ज़रूरी होता है। आप पंखे की बात ले लें, बल्ब की बात ले लें, टीवी की बात ले लें, आप अपने लैपटॉप की बात ले लें, आप अपने कंप्यूटर की बात ले लें, इवन कि आपका सेलफोन जो है उसके लिए भी करंट चाहिए होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसी तरह आपकी जो मोटर्स हैं उनका जो शाफ्ट होता है, उसमें से जब करंट गुजरता है तो उसका शाफ्ट जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। तो इन तमाम जो डिवाइसेस हैं, तमाम एप्लीकेशन जो हैं बच्चों, इनके लिए हमें करंट जो है, या इन अदर वर्ड्स यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। सो इसमें हम देखने लगे हैं कि व्हाट इज करंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट यू कैन से। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है फिजिक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। यानी आपके पास जो है कोई एक पाथवे है, कंडक्टर है, या कुछ भी कह लें, इसके अंदर हमारे पास चार्जेस हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे वो प्रोटॉन्स हैं, यानी नेगेटिव आयंस हैं या पॉजिटिव आयंस हैं। जब ये इस हिस्से से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या कह लें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब ये मूव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम डेल्टा टी, हम कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो चार्जेस की मूवमेंट है, या टोटल चार्ज जो मूव हुए हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उन्हें नाम दे लें आप डेल्टा क्यू का। तो डेल्टा क्यू आपका यहां से लेके यहां तक जो चार्जेस ने मूवमेंट किया है, जो चार्जेस ने फ्लो किया है विद इन टाइम डेल्टा टी, इनकी अगर हम रेशियो ले लेते हैं डेल्टा क्यू
ओवर डेल्टा टी। तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ या रेट ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट थ्रू द कंडक्टर या थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, उसे हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। अब अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करें, यह तो इसकी एक कन्वेंशनल डेफिनेशन होगी ना कि हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू आई, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके ऐसे यूनिट की बात करें, चार्ज जो है कूलम्स ने डिस्कवर किया इसलिए सी, और ये टाइम सेकेंड जो कि इक्वल होता है हमारे पास अम्पेयर के, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बच्चों हमारे पास अम्पेयर जो है, दिस इज द ऐसे यूनिट, ए से इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है कूलम पर सेकंड के। सो दिस इज द ऐसे यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों मूवमेंट ऑफ द चार्जेस की वजह से होता है, जब वो मूव करते हैं थ्रू द कंडक्टर या नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन आपके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा फ्लूइड होता है जिसके अंदर दोनों चार्जेस जो हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी, दोनों चार्जेस जो हैं वो पाए जाते हैं और वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। जब उन्हें एक पाथवे दिया जाता है, अगर उन्हें दो टर्मिनल्स के साथ जो है उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें, तो ये आपके पास एक वेसल है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है लिक्विड फ्लूइड, उसके अंदर चार्जेस होते हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन। अगर इसके अंदर हम इलेक्ट्रोड जो आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड किनको कहते हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रोड को जो है टर्मिनल के साथ एक सर्किट के अंदर जोड़ दिया जाए और यहाँ पे जो है हम बैटरी से जोड़ दिया जाए, तो ये हमारे पास एनोड बन जाएगा, ये हमारे पास कैथोड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एनोड और कैथोड जो है, जब इसमें से बैटरी से एनर्जी से मिलेगी, ठीक है, ये आपका स्विच कह लें, तो इन चार्जेस ने जो है रिस्पेक्टिव ओपोजिट जो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको नाम दिया है पॉजिटिव वाले को एनोड का, दूसरे वाले को कैथोड का, इसकी तरफ मूवमेंट, नेगेटिव आयन इस तरफ जाना है, पॉजिटिव आयन इसकी तरफ कॉमुलेट होना शुरू हो जाना है, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जानी है, यानी करंट पास होना शुरू हो जाना है। अब इस केस के अंदर हमारे पास जो चार्ज कैरियर्स हैं वो प्रोटॉन्स भी हैं, प्रोटॉन ही हम कहेंगे यहाँ पे, सिंपली हम कहेंगे पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव आयन है। तो मूवमेंट ऑफ द चार्जेस आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इस केस के अंदर अगर आप कह लें कि ये हमारे पास जो है फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट जो है, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, तो कॉपर सल्फेट जो है जब डिसोसिएट होता है लिक्विड के अंदर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो ये हमें देता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन, ठीक है। तो ये आयन जो है रिस्पेक्टिवली जो है ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं जब इन्हें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, जिन्हें पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है या कह लें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है, तो ये इनके अंदर इनकी आयन्स की मूवमेंट भी जो है वो करंट प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम बात करें आगे आपके जो सब टॉपिक नेक्स्ट आ रहा है इसी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के बाद, वो आ रहा है आपका करंट डायरेक्शन। जी बच्चों करंट की डायरेक्शन को लेके अक्सर बच्चे जो हैं स्टूडेंट जो हैं मेरे जैसे भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि करंट की एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। तो करंट जो है अगर हम इसकी बात करें तो मूवमेंट ऑफ आयंस का, अगर हम कन्वेंशनली या हम ट्रेडिशनली बात करें ना बच्चों, तो मूवमेंट ऑफ आयंस को लेके चलते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस है चाहे वो नेगेटिव आयन है चाहे वो पॉजिटिव आयन है, जो वो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से गुजरते हैं कंडक्टर के या वो किसी भी फ्लूइड के अंदर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जिसे नाम देते हैं, तो करंट का फिनोमिना जो है वो अकर होता है, करंट डेवलप होता है, ठीक है। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये इनकी मूवमेंट किस लिहाज से होगी, तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आम तौर पे जो है करंट की डायरेक्शन दो ली जाती हैं, एक जो मेजर जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम नाम देते हैं करंट डायरेक्शन में देखते हैं, जी करंट डायरेक्शन में दो तरह की करंट की डायरेक्शन ली जाती है, दो तरह करंट हम एज्यूम करते हैं, एक को नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का, कन्वेंशनल करंट,
और बच्चों दूसरा जो है करंट की डायरेक्शन के लिहाज से, दूसरा जो करंट जो है उसको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करंट का। तो ये दो किस्म के जो करंट्स होते हैं इनको हम जो है इनसे हमारा वास्ता पड़ता है आप कह रहे हैं। पहला करंट जो है कन्वेंशनल करंट जो है ये वही करंट है बच्चों, जब साइंटिस्ट ने जो करंट डिस्कवर किया कि करंट किस बला का नाम है, करंट होता क्या है, तो उन्होंने एक्चुअली जब करंट को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस को, मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो उन्होंने मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो था उसको कंसिडर किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम जो करंट होता है वो एक्चुअली क्या करता है कि अगर आप एक एक्सटर्नल सर्किट बना लो, बैटरी है आपके पास, सेल सोर्स है आपके पास, ठीक है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसको आपने जोड़ा हुआ है किसी भी सर्किट के अंदर, यहां पे आपके पास कोई भी अप्लायंस लगी, कह लें कि इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ये इसका स्विच है, तो ये सिंपली एक बैटरी कह लें, सोर्स कह लें, मैंने वो ट्रेडिशनल साइन वो ये वाली साइन नहीं बनाई इसकी, ये भी साइन है ये भी साइन है, ठीक है, दोनों जो है हम यूज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। तो अर्ली साइंटिस्ट जो थे उन्होंने करंट को एज अ रिगार्ड पॉजिटिव आयंस लिया कि वो पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल एरिया की तरफ मूव करते हैं। तो करंट की डायरेक्शन भी उसी ही तरफ ली गई कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल इन एक्सटर्नल इफेक्ट के लिहाज से अगर हम देखें एक्सटर्नली, मैं अगर इसको देख रहा हूं तो हमने कंसीडर करना है जब हमने इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो करंट की डायरेक्शन हम बच्चों वही लेते हैं जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो इस तरह हम कहते हैं जी करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है जब हम रिगार्ड करते हैं एज अ मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो उसको हम नाम देते हैं किसका, कन्वेंशनल करंट का। तो कन्वेंशनल करंट जो है हमारे पास सर्किट के अंदर हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव आयंस, मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव आयंस फ्रॉम अ हाई पोटेंशियल टू अ लो पोटेंशियल, ठीक है। तो अब पॉजिटिव आयन जो है वो इक्विवेलेंट मूवमेंट होनी चाहिए, इक्विवेलेंट मूवमेंट टू द नेगेटिव आयंस यानी इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बच्चों कीप इट इन माइंड कि एक्चुअल जो मूवमेंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है, पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते। लेकिन हम इसको एज अ कन्वेंशन जो शुरू से चलता आ रहा है कि पॉजिटिव आयन मूव करते हैं, एक्चुअली पॉजिटिव आयन नहीं होते, कंडक्टर के अंदर, हमारा ये कंडक्टर है तो उसके अंदर फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होता है, फ्री चार्ज कैरियर। वो फ्री चार्ज कैरियर बच्चों नेगेटिव आयन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच्चों ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जब इनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है तो इस अपने उस लेटेस्ट से परे हो जाते हैं, या कह लें कि उन जो उनकी विसिनिटी है, विसिनिटी बच्चों स्पेस, ठीक है, उस स्पेस के जहां पर इनकी थर्मल मोशन इनकी होती है वहां पे जब इन्हें कोई एक्सटर्नल एनर्जी मिलती है तो इनकी मूवमेंट जो है एक डायरेक्शन में आ जाती है, तो वहां से ये लूजली बाउंड हो जाते हैं, थोड़ा परे चले जाते हैं, या कह लें कि पहले यहां पे था इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ी सी एनर्जी मिली है तो ये थोड़ा सा इस तरफ मूव कर जाएगा, इस तरह अगले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, अपनी एनर्जी शिफ्ट करेगा अगले इलेक्ट्रॉन। तो हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो एक्चुअल मूवमेंट जो है वो तो इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जिस वजह से कौन सा करंट डिवेल्प होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है। लेकिन क्योंकि ये कन्वेंशन है तो कन्वेंशन के तौर पे हम जो इलेक्ट्रिक करंट है अपनी इस टेक्स्ट बुक के अंदर या जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि वो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इक्विवेलेंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, टू द नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तरफ, इसको नाम देते हैं हम किसका,
कन्वेंशनल करंट का, और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द करंट को डिस्क्राइब करता है। बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं बच्चों जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रॉनिक करंट की ही ली जाती है, लेकिन जब कन्वेंशनल करंट की बात आती है तो कन्वेंशनल करंट में हम पॉजिटिव आयंस को ही लेते हैं कि पॉजिटिव आयन है एक्चुअली मूव करते हैं, जितने नंबर ऑफ नेगेटिव आयन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि करंट जो है वो मेटल कंडक्टर के अंदर किस तरह मूव करता है। मैंने थोड़ा यहाँ भी एलेबोरेट किया है, आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम्स बनी गई हैं डिफरेंट के किस तरह जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मूव करता है, या मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट, या सिंपली करंट जो है आप कह लें कि करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा जो मैंने अभी बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्चुअली मूव करते हैं जी। हम देखते हैं इसमें करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, डबल एल करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। जी बच्चों मेटेलिक कंडक्टर के मेटल, ठीक है, हमारी जितनी भी मेटल्स होती हैं चाहे वो कॉपर है चाहे वो सिल्वर है चाहे वो आयरन है, ठीक है, इन मेटल्स के अंदर जो है मैंने बात की थी कि हमारे पास अगर कोई भी पीस ऑफ मेटल ले लें आप, कि मेरे पास ये पीस ऑफ मेटल है, ठीक है, अब इस पीस ऑफ मेटल के अंदर फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, नेगेटिव आयन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि लूजली बाउंड होंगे, क्या होंगे, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके अंदर वो होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होंगे। अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक इंडिविजुअल एटम के साथ जुड़े होंगे, ये हमारे पास एक कॉपर वायर कह रहे हैं, ठीक है, अगर मैं इसी वायर को जो है थोड़ा एक्सटेंड करूं और यहां पे बच्चों मैं एक सोर्स यूज कर लेता हूं यानी कि बैटरी, ठीक है, यहां पे मैंने एक सोर्स यूज किया हुआ है, ये है मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहे हैं, और ये मेरे पास है नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, बच्चों इसके अंदर जो है ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी मूवमेंट है, ये नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हैं जबकि मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है, जबकि कन्वेंशनली करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉनिकली करंट की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सोर्स हमारा जो है उससे जो है किस तरफ होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, जबकि ये हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो आता है, जबकि ये हमारे पास जो है ये कन्वेंशनल करंट होगा, ये कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जबकि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कहते हैं। अब बच्चों होता ये है कि हमारे पास कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम कंसीडर कर लेते हैं अपने इसी कंडक्टर का, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, तो मेरे पास ये कंडक्टर है, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये कंसीडर कर लिया, बैटरी नहीं है ये, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप इसे कह लें। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बच्चों जो है प्रोटॉन होंगे एटम्स, ठीक है, एटम्स के लेटेस्ट कह लें, ये ब्लू जो मैं ड्रा कर रहा हूं ये प्रोटॉन्स कंसीडर कर लें,
ये सारे के सारे ये लेटेस्ट कह लें आप, ठीक है, उस मेटालिक कंडक्टर क्या कह लें, स्पॉज या कॉपर है, उसके लेटेस्ट पॉइंट है, या उसे कह लेंगे पॉजिटिव आयन जो है, या आप कह लेंगे एटम्स जो है वो है, ठीक है। जबकि इसके अंदर अगर हम बात करें तो फ्री चार्ज कैरियर जो है हर एटम के अराउंड जो है, ये ब्लैक कलर में जो डॉट बना रहा हूँ, ये फ्री चार्ज कैरियर है अराउंड द ईच एटम जो है हमारे पास। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं वो हमें पता है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी हुई है कि जो कॉपर है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, उसके फ्री चार्ज कैरियर कितने होंगे। ये सारे ब्लैक कलर में, ये फ्रीली मूवमेंट है इनकी, ये हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर्स, या बच्चों इनको नाम देते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स का। और ये फ्री चार्ज कैरियर जो हैं ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन हर एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं जो इसके अराउंड जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। अब ये फ्री चार्ज कैरियर बच्चों कोई इस तरफ मूव कर रहा है, 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 इसकी मूवमेंट इस तरफ है, इसकी मूवमेंट इस तरफ है, यानी रैंडमली जो है ये इनसाइड द कंडक्टर रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इनसाइड द कंडक्टर जब ये रैंडमली मूव करते हैं तो इनकी ये मूवमेंट जो होती है वो ड्यू टू थर्मल एनर्जी होती है, किसकी वजह से होती है, थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी जो रूम टेम्परेचर के ऊपर इनकी जो मूवमेंट होती है बच्चों, उस वजह से ये रैंडमली जो है ये मूव कर रहे होते हैं इनसाइड द मेटल। तो इनकी डिफरेंट डायरेक्शन होगी, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ मूव कर रहा है, तो रैंडमली जो है इनकी मूवमेंट होगी थर्मल पोजीशन के ऊपर, इनकी थर्मल एनर्जी के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा, इनका जो टोटल करंट जो है इनसाइड, ये ब्लू कलर के जो है ये एटम्स हैं, इनसाइड द कंडक्टर जो है इनका करंट होगा, लेकिन इनका करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, या कह लें कि इनका ओवरऑल इफेक्ट जो है, ओवरऑल करंट वो जीरो होगा। क्यों, कि थर्मल मूवमेंट की वजह से इनकी डायरेक्शन जो है एक तरफ नहीं है, करंट का फ्लो एक तरफ नहीं है, ये म्यूचुअली जो है कहने के इनसाइड जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ये करंट जो है। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना है, इनकी मूवमेंट को, इन चार्ज कैरियर को एक तरफ फ्लो करवाना है एक डायरेक्शन में, ठीक है। हम सिंपली क्या करेंगे कि इनको हम इस ये कंडक्टर जो है इसको हम किसी भी पावर सोर्स के साथ जो है, एनर्जी सोर्स, जब इसे बैटरी कह लें आप, इसके साथ मैंने जो है इसे जोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैंने पावर सोर्स के साथ इसको जोड़ा है, जो मेरे पास एनर्जी सप्लाई है, ठीक है, एनर्जी सप्लाई कह लें, तो उसके साथ जैसे ही मैंने इसे जोड़ा है क्या होगा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर डिवेल्प होगा, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जानी है इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है वो क्या हो जानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जानी है। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होनी है, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, क्या थी वो, थी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चो, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होती क्या है, वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब यहां पे फ्री चार्ज कौन सा है, ठीक है, अब बात आती है कि एटम्स के अंदर जो है एटम्स उनके ऊपर भी फोर्स लगेगी, पॉजिटिव आयन है वो, ठीक है, लेकिन उनकी मूवमेंट नेट मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स की होगी जो कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जो उनके वैलेंस शेल के अंदर थे, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होनी है फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है वो लगनी है, तो क्या होना है, इलेक्ट्रॉन्स ने एक तरफ को जो है वो पुश होना है, चार्ज कैरियर्स ने एक तरफ को क्या होना है, पुश होना है। जब अब उन्होंने पुश होना है किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी कि सबकी नेट मूवमेंट जो है अब वो इस तरफ हो जानी है, जो इस तरफ मूव कर रहे थे ऊपर को नीचे को मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट इस तरफ हो जाएगी, नेट मूवमेंट सबकी एक डायरेक्शन में आ जाएगी इस तरफ, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब सबकी मूवमेंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या होना, जब ये नेट मूवमेंट्स इनकी आ जानी है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन्होंने एक वेलोसिटी जो है वो डेवलप होगी इनसाइड, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक वेलोसिटी कैरी करेंगे, उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
उस वेलोसिटी को क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। जैसे ड्रिफ्टिंग होती है ना कि जैसे आप जा रहे होते हैं एकदम से आप स्पीड हाई करते हो, ठीक है, ड्रिफ्ट करते हो, तो इनको जैसे ही इनके ऊपर नेट फोर्स लगनी स्टार्ट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डेवलप होगी, तो ये तमाम इलेक्ट्रॉन जो है जिनकी रैंडम मूवमेंट थी, रैंडमली मूव कर रहे थे ड्यू टू द थर्मल मोशन या थर्मल एनर्जी, थर्मल मोशन थी इनकी, तो इन पर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डिवेल्प होगी, तो ये अक्वायर करेंगे, ये डिवेल्प होगी इनके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है कि जब इनके ऊपर फोर्स लगती है तो हर चार्ज कैरियर के ऊपर फोर्स लगती है, ठीक है, वो चार्ज कैरियर जो है जब वो उनको एनर्जी मिलती है तो वो उनके लेटेस्ट पॉइंट जो एटम्स हैं ये ब्लू कलर के उनके साथ टकराते हैं, तो अपना मोमेंटम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो फिर एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उनकी मोशन पर रैंडमली जो उनकी वेलोसिटीज होती हैं वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें वो कंटिन्यूसली अपनी जो है एनर्जी वो टू द लेटेस्ट पॉइंट जो है वो शिफ्ट करते हैं और वो स्मूथली जो है उनके अंदर एक स्लो वेलोसिटी जो है डेवलप हो जाती है, उस वेलोसिटी का नाम देते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 10^-3 मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इन एडिशन टू द थर्मल वेलोसिटी जो उनकी पहले जो रैंडमली मूवमेंट की वजह से उनकी वेलोसिटी थी इधर उधर, उसके एडिशन में जो है 10^-3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऐड हो जानी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐड हो जानी है, तो उन्होंने एक तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना शुरू कर देना, ठीक है, जब वो एक तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो फिर एक स्टेडी करंट जो है स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट जो है बच्चों वो डेवलप हो जाता है क्रॉस द ई, ठीक है, इन क्रॉस द ई यानी कि ये स्टेडी करंट जो है आई जो है ये डेवलप हो जाना है ऑपोजिट टू द ई, यानी माइनस साइन जो शो कर रही है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये स्टेडी करंट जो है ये डेवलप हो जाता है, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें कंटिन्यूसली इस करंट को स्टेडी रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट सोर्स जो है वो डेवलप कांस्टेंट सोर्स जो है जिसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं वो हमें देना पड़ता है, ठीक है, जिससे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड द कंडक्टर जो है वो डेवलप हो जाती है और करंट जो है वो कंटिन्यूसली जो है फ्लो में रहता है। तो इस तरह जो है बच्चों करंट जो है वो किसी भी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर मूव करता है।